हिजाब मामले में कांग्रेस के एमएलए जमीर अहमद खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिजाब तनाजे को हुकूमत ने बड़ा बनाया है। बच्चों को जो हिजाब पहन के, उनको बच्चों को हिजाब पहन के जो बच्चे लोग कॉलेज को है, उनको कॉलेज में अंदर आने को मना किया, यानी खुद प्रिंसिपल ठहर के। इसका मतलब डायरेक्ट ये लगता है कि गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कॉलेज है वो, प्राइवेट कॉलेज होती तो अलग बात है। अगर गवर्नमेंट का अगर उनको डायरेक्शन नहीं है तो ये प्रिंसिपल ये काम नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट का डायरेक्शन दिया हुआ था, इस वजह से प्रिंसिपल रुक के उनको जो बच्चों को आने के अंदर नहीं दिया। मेरे को दुख किधर हुआ, आप देखे होंगे ये लोग बच्चे को जात करके नहीं है, जात करके बच्चे लोग को मान नहीं, उनका एजुकेशन के बारे में वो लोग सोच रहे हैं, उनको केसरी साल पहना के खाली ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अभी तो क्या कर रहे हैं, हम केसरी साल भी पहनना नहीं, बुरखा भी पहना नहीं। अरे भाई ये केसरी साल कब से पहन रहे तुम, ये अभी इश्यू होने के बाद पिछली बारों से तुम लोग केसरी साल पहन रहे हैं, अभी अभी से पहले से थोड़ी ना पहन रहे हैं। ये हिजाब का जो है ना, हमसे जब मेरे ख्याल से बरसों से हम लोग हिजाब पहनते आ रहे हैं और उसको कोई रोक सकता नहीं, हम पहनते रहेंगे हम लोग अभी।